एडवोकेट ललिता जी, आज देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए हैं, आज महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है, तो आप कैसा मानती हैं? महिला कहीं सुरक्षित नहीं है, तो जो हमारा देश है यहाँ पे जो पुरुष प्रधान समाज है, सबसे बड़ा कारण तो कि पुरुष प्रधान समाज, उनकी सोच, और देश जो है महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो उसके लिए कुछ राजनीतिक पार्टियां भी जिम्मेवार हैं कि सब अपने स्वार्थ में इतना लिप्त हो चुके हैं कि महिलाओं के सुरक्षा के अधिकारों के प्रति उनका कोई ऐसा नियम, मतलब कानून तो बने हैं लेकिन उनको सही ढंग से फॉलो नहीं किया जा रहा है। एक तरफ कहते हैं कि हिंदू कोड बिल महिलाओं के अधिकारों को हम दिलाएंगे, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश ले लो, यानी भारत वर्ष के अंदर आए दिन रेप, आए दिन कत्लेआम, आए दिन मतलब इस तरीके की घटनाएं होती हैं, और एक आप अधिवक्ता हैं तो आप इसको कैसे लागू करवाएंगी? मैं इसको कैसे लागू करवा सकती हूँ? देखो, कानून तो बने हुए हैं लेकिन कानून फॉलो करने वाले जो सरकार की जो नीतियाँ हैं वो उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जो हम क्या है कि क्रिमिनल्स आते हैं, छूट जाते हैं, और एक जो ब्यूरोक्रेसी है, या वो चाहे जज ले लो चाहे कोई भी ले लो, हमारी जो न्याय प्रणाली है ना, सारा उसमें करप्शन में लिप्त है। तो जो एक उनके कड़े नियम होने चाहिए, कानून को अच्छे से फॉलो करो, अच्छे से नियम को लागू करो, तो और सरकार जो नीतियाँ बनाए वो महिलाओं के अधिकारों को देखते हुए बनाए। अधिकार तो मिल गए हैं लेकिन फॉलो नहीं हो रहे हैं, मानसिकता बदलनी पड़ेगी, और वो मानसिकता कैसे बदलेगी उसके लिए सरकार को नीतियाँ बनानी पड़ेंगी। मतलब सरकार के ऊपर आप डाल रहे हैं, अभी BHU के अंदर, बनारस के अंदर जो लड़कियाँ, जो स्टूडेंट वहाँ पढ़ते थे और पढ़ती हैं, उनको हॉस्टल से निकाल के जहाँ महिला पुलिस होनी चाहिए थी वहाँ महिला पुलिस न होके जेंट्स होने, जो मेल पुलिस थी उन्होंने लाठी बरसाई। तो वो लोग कौन है? वो भी तो प्रशासन ही है, तो प्रशासन ही वहाँ पे महिला जो महिला अधिकारी है उनको रखेंगे। जो वहाँ का VC है उसने सही काम नहीं किया, VC अगर सही डायरेक्शन में काम करता है तो उसने खुद ही लाठियाँ उन पे जो स्टूडेंट्स हैं उन पे बरस रहे हैं, तो एक VC ऐसे कैसे कर सकता है? और अगर गर्ल्स हॉस्टल है तो गर्ल्स हॉस्टल में जो है मोस्टली स्टाफ लेडीज रखो, तो वो कौन करेगा? वो प्रशासन करेगा। तो आप महिलाओं को सरकार ही तो करेगी, सरकार देखेगी भाई प्रशासन क्या काम कर रहा है। तो आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं महिलाओं को क्या संदेश, मैं मेरी तरफ से तो महिलाओं का ये संदेश है कि भाई अगर सरकार और प्रशासन अपना काम ठीक नहीं कर रहे हैं तो खुद खड़े हो जाओ। सरकार और प्रशासन काम नहीं कर रहा है तो खुद खड़े हो जाओ, और उसके लिए तो लाठियां भी खानी पड़ेंगी, जेल भी जाना पड़ेगा, तो अपने मजबूती से स्टैंड कर लो।